आज पेपा को उस समय का वीडियो मिला है जब वो छोटी बच्ची थी। मैं बहुत शोर शराबा करने वाली बच्ची थी, है ना डैडी? हाँ, कभी कभी सारे बच्चे ऐसा करते हैं। ये तब का होगा जब मैं प्रेग्नेंट थी और जॉर्ज पेट में था। प्रेग्नेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये उस समय मेरे पेट में था। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रही हो पेपा? देखिए, अब मेरे पेट में भी एक बेबी है। बहुत अच्छे पेपा। अब जिनके पेट में बेबी होता है वो लोग क्या करते हैं? मुझे खूब सारी मजेदार इच्छाएं होती थी, जो तब होती है जब आप वाकई कुछ खास खाना चाहते हैं। वाह, पेपा भी मजेदार इच्छाएं दिखाने का फैसला करती है। मैं भी वाकई खाना चाहती हूँ स्पेगेटी। पेपा को लगता है कि खाने की इच्छाएं तो जायकेदार है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। जब आपके पेट में बेबी था तो और क्या क्या होता था मम्मी? वैसे मैं काफी थक जाती थी तो भले लोग मुझे अपनी सीट ऑफर करते थे ताकि मैं जरूरत पड़ने पर बैठ सकूं। हेलो पेपा। मेरे पेट में एक बेबी है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपको मुझे अपनी कुर्सी देनी होगी प्लीज डैडी। अच्छा, ये लो। और जब कभी मेरे पैरों में दर्द होता था तो डैडी पिक मेरे पैरों की मालिश करते थे। पेपा को पैर की मालिश का आइडिया अच्छा लगा। डैडी, मेरे पैर में दर्द है तो मुझे पैर की मालिश करवानी है प्लीज। ओह अच्छा, ये लो अभी करता हूँ। डैडी पिक की पैर की मालिश मालिश कम और गुदगुदी ज्यादा लगती है। ओह, वैसे एक और चीज हुई थी जब मम्मी पिक प्रेग्नेंट थी। वो क्या थी? आखिरकार नन्हा सा बेबी आया। आंटी पिग बेबी अलेक्जेंडर के साथ मिलने आई है। हाय बेबी अलेक्जेंडर, मैं ऐसा नाटक कर रही थी कि मेरे पेट में बेबी है। अब हम ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बेबी तुम हो। वैसे असली बेबीज काफी शोर करते हैं, तो मुझे लगता है मैं इसकी जगह कुशन रख लेती हूँ। आज पेपा और उसके दोस्त वाटर पार्क में हैं। हेलो बच्चों। हेलो मिस रॉबर्ट। आप लोग स्विमिंग जाओ इसके पहले मैं आपको कुछ जरूरी नियम सिखाना चाहूंगी। मिस रॉबर्ट सभी को स्विमिंग पूल में सुरक्षित रहने के तरीके बता रही है। पहला नियम है कोई छींटाकशी नहीं। छींटाकशी ना करें मिस्टर बोल। ओह सॉरी पेपा, सॉरी मिस रॉबर्ट। कोई बात नहीं मिस्टर बोल। दूसरा नियम है कोई दौड़ा भागी नहीं। बुरी बात मिस्टर बुल, दौड़ा भागी नहीं। फिर से सॉरी। मिस्टर बुल को कोई भी नियम नहीं पता। और आखिरी नियम है सभी शानदार समय बिताएं। आपका समय शानदार बीते मिस्टर बुल। सही कहा पेपा। पूल के मजे लो बच्चों। हम सबसे पहले क्या करें? चलो वाटर स्लाइड पे चलते हैं। हुरे! हुरे! सभी वाटर स्लाइड राइड के लिए काफी जोश में हैं। हेलो फिर से, कौन स्लाइड से नीचे जाना चाहता है? मैं। तुम लकी हो, हर एक के लिए एक एक स्लाइड है। चलो रेस करते हैं। बढ़िया आइडिया, लकी हो कि मैं झंडा लाई हूँ। ऑन योर मार्क गेट सेट गो। और डैनी डॉग सबसे आगे, साथ साथ है पेपा।
उसके बाद जनरल जिराफ और सूजी शीप पीछे आती हुई। कोई भी जीत सकता है वाटर स्लाइड रेसिंग अपने बेहतरीन पड़ाव पर। हेलो ग्रैनी। हेलो मिस्टर पॉल। वो करीब करीब फिनिश लाइन पर है। ये कांटे की टक्कर है। कौन करेगा टॉप? ये टाई हो गई। सभी जीत गए। पेपा और उसके दोस्तों को स्लाइड बहुत पसंद आई, लेकिन वाटर पार्क का पहला नियम वो भूल गए हैं। कोई छीना कशी नहीं। आज पेपा ग्रैंडपा पिग के बगीचे के फूलों के मजे ले रही है। सदा खुश रहो पेपा। ये पीली चीजें क्या है ग्रैंडपा पिग? इसे कहते हैं पराग। बम्बल बीज इसे बगीचे में ले जाती है और फूलों की बढ़त में मदद करती है। थैंक यू छोटी बम्बल बी की मदद करने के लिए। सावधानी से पेपा, बम्बल बीज को हाथ मत लगाना। पर क्यों ग्रैंडपा, ये कितनी रंगीन और प्यारी है। क्योंकि तुम काफी बड़ी हो और बम्बल बी काफी छोटी है, इसलिए शायद वो डर जाए। और जब बम्बल बी डर जाती है तो वो डंक मार सकती है। सचमुच? हाँ, इसलिए तुम्हें उनसे काफी नरमी से पेश आना चाहिए और उन्हें काफी जगह देनी चाहिए। कुछ लोगों को इनके डंक से एलर्जी भी हो सकती है। पेपा नहीं जानती कि अब उसे बम्बल बीज पसंद है या नहीं, पर बम्बल बीज दुनिया के लिए मददगार और दयालु भी होती है। इन्हीं की वजह से तो हमें शहद मिलता है। मुझे शहद पसंद है। बम्बल बीज छत्ते में शहद बनाती है, जैसे कि ये वाला। क्या मैं देख सकती हूँ? ओ रुको, छत्ते में काफी बम्बल बीज है, इसलिए पहले तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। तड़ा, मेरा मतलब है बस बस। पेपा, जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग खास तौर पर मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि उनके सिर, हाथ और शरीर डंक से बचे रहे। बेहतरीन। ग्रैंडपा पिग पेपा और जॉर्ज को अपने बम्बल बी के छत्ते का एक भाग दिखा रहे हैं। वो सारी बीज उस छोटी से घर में रहती है। हाँ, ये यहीं पर तो जायकेदार शहद बनाती है। बम्बल बीज खाना इकट्ठा करने और एक दूसरे का बचाव करने के लिए एक टीम की तरह काम करती है। जैसे मैं और जॉर्ज, हम भी हैं जैसे बम्बल बीज। बीज जो शहद बनाती है उसका क्या होता है? वैसे हम इसे इस तरह से जार में डालते हैं। ग्रैंडपा पिग एक कांच के जार में ताजा शहद इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हम लंच के लिए जायकेदार हनी सैंडविच बनाते हैं। ये अब तक का सबसे बढ़िया सैंडविच है। थैंक यू छोटी बी। पेपा को हनी सैंडविच पसंद है और पेपा को बम्बल बीज उनके दयालु कामों की वजह से प्यारी लगती है। आज पेपा के प्ले ग्रुप का स्पोर्ट्स डे है। एक पिंक टीम है और दूसरी ब्लू टीम। वो गोल्ड मेडल्स जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जीतने वाली हूँ। रेबेका रैबिट को सैक रेस काफी मुश्किल लग रही है। पिंक टीम की एमिली एलिफेंट ने सैक रेस जीत ली है। हुरे! तुम काफी तेज हो। अरे नहीं, मैं हार गई। तुमने पूरी कोशिश की और हम अभी भी जीत सकते हैं। अब समय आ गया है अंडा और चम्मच रेस का। और तेज पेपा। लेकिन पेपा को तेज दौड़ते हुए अपने अंडे को संभालने में परेशानी हो रही है। थोड़ा धीरे पेपा, अंडा ना गिर जाए। ठीक है।
थोड़ा धीरे डैडी। लेकिन इतना भी धीरे मत चलो। थोड़ा धीरे, थोड़ा तेज, थोड़ा धीरे, नहीं और तेज। ओह, नहीं। हमने खेल दिखाया, हमने रेस जीत ली है। वाह! दोनों टीम में टाई हो गई है। अगला गेम रिंग टॉस का है। जो टीम लकड़ी की छड़ी पर सबसे ज्यादा रिंग्स फंसाएगी वो स्पोर्ट्स डे जीत जाएगी। हर टीम को इसके लिए एक पॉइंट मिलेगा। ये, ये। हर टीम के लिए एक और पॉइंट। ये अब भी ड्रॉ है। रेबेका और फ्रेडी, अब तुम्हारी बारी है। अगर मैं चूक गई तो हम हार जाएंगे। जीत की परवाह मत करो, बस बेहतरीन खेलो और खूब मजे करो। हम हार गए स्क्वीक, लेकिन हमें बहुत मजा आया। तुमने सही कहा पापा। बहुत बढ़िया पिंक टीम, आपको मिलते हैं गोल्ड मेडल्स। और ब्लू टीम भी बहुत अच्छा खेली, इसके लिए उन्हें मिलते हैं सिल्वर मेडल्स। वाह! पिंक टीम और ब्लू टीम दोनों को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। सभी को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। आज पेपा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँच ही गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्द ही पहुंच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चले। जल्दी मिलेंगे बतख। ये रहा। पेपा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हाँ, हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती हैं बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है। रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी। हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिल-डुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुंच ही गए। हमने कर दिखाया। ये।
आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला। आज सभी पेपा के बगीचे में खेल रहे हैं। एमिली एलिफेंट एक बड़े से कीचड़ वाले गड्ढे में फिसल कर गिर जाती है। मॉन्स्टर! नहीं, मॉन्स्टर्स असली नहीं होते। ये एक काटेदार चूहा। कांटेदार चूहा भी कीचड़ में फिसल कर गिर गया। चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। कांटेदार चूहा कांटेदार बॉल की तरह हो गया है, पर एडमिंड जानता है क्या करना है। हमें किसी बड़े की मदद लेनी होगी, क्योंकि कांटेदार चूहा डर के कटीला हो गया है, तो हमें सावधान रहना होगा। मम्मी पिग, डैडी पिग। मम्मी पिग सबको कीचड़ भरे गड्ढे से निकलने में मदद करने आ गई है, और डैडी पिग कांटेदार चूहे की मदद कर रहे हैं। उनके मोटे दस्ताने उन्हें कांटेदार चूहे की नुकीली पीठ से बचा रहे हैं। आप कांटेदार चूहे को यहाँ रख सकते हैं। यहाँ मोटा सा कंबल है, तो बढ़िया और आरामदायक रहेगा। कंबल। बहुत बढ़िया। अब सावधान रहना, शायद कांटेदार चूहा थोड़ा सा कांटेदार हो। अरे वाह! मैं तुम्हें बुलाऊंगी कटीले। कटीले। डॉक्टर हैमस्टर ये चेक करने आए हैं कि कटीला सुरक्षित और स्वस्थ है। मुझे मदद के लिए बुलाने का फैसला सही था। कटीला घूमकर फिर से बॉल जैसा बन गया। कटीला ऐसा क्यों करता है डॉक्टर हैमस्टर? कांटेदार चूहे डर के मारे बॉल बन जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ओह, तो कटीला डरा हुआ है। यहाँ काफी शोर है ना? अगर हम चुप रहें, तो एक टुकड़ा सेब का कटीले को शांत करने में हमारी मदद कर पाए। पेपा और एमिली एलिफेंट जरूरत से कुछ ज्यादा ही सेब ले आए। हुरे! बस खाना और आराम, और फिर हम कटीले को गार्डन में छोड़ सकते हैं जब सूरज डूबने लगेगा। हम अभी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कांटेदार चूहों को अंधेरा अच्छा लगता है, जिसका मतलब है उन्हें रात में घूमना और दिन में सोना पसंद है। मुझे सब पता है, मैं कितना स्मार्ट हूँ। अरे माफ करना कटीले। सूरज डूब रहा है, इसका मतलब है कि कटीले के घर वापस जाने का वक्त हो गया है। कांटेदार चूहे कहाँ रहते हैं डॉक्टर हैमस्टर? कहाँ? कांटेदार झाड़ी में। बाय कटीले, हमें जल्दी मिलने आना फिर से। सभी को कटीले के साथ समय बिताकर और उसे सुरक्षित घर जाते देखकर अच्छा लगा। बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है? क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है, इसमें गाजर, आलू, स्प्राउट्स। नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है। चलो कुछ और आजमाएं। टॉफी रैप करना वाकई मजेदार है। आप बुक को ऊपर लगा सकते हैं। नहीं, हमें उन्हें रैप करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है।
मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है। अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है, शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर, ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस क्राफ्ट वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। What fun it is to ride on a one-horse open sleigh. लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा। पेट्रो पोनी, कैंडी कैट, मैंडी माउस, जेरल्ड जिराफ और डैनी डॉग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो मम्मी, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो पापा, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। सबसे अच्छा स्कोर पाने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। वाओ, पापा को चमचमाती हुई ट्रॉफीज पसंद है। पापा, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी? नहीं थैंक यू, मैं अकेले ही खेलूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले खेलना चाहिए पापा। पर अकेले खेलूंगी तो ट्रॉफी पूरी मेरी होगी। सारे एक तरफ है और पापा उनसे अकेले खेलने जा रही है। अरे नहीं, अच्छी कोशिश थी पापा, एक बार और करो। मुझे और जोर से किक करना चाहिए। लगभग कर ही लिया। बस अब करने ही वाली हो। शायद मेरे दूसरे पैर से हो जाए। तुम्हें अपने बॉल से स्कोर करना है, जूते से नहीं। ये कितना मुश्किल है। तो फिर क्यों ना तुम गोल करो। अच्छा आइडिया है मम्मी, मैं एक शानदार गोल करने वाली बनूंगी। गोल! मम्मी वो गोल कर पा रहे हैं पर मैं क्यों नहीं। पापा, ऐसा इसलिए क्योंकि फुटबॉल टीम वर्क है। और सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं तो तुम टीम में खेलोगी कैसे। क्या मैं आप लोगों की टीम में आ सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल तुम आ सकती हो, हमारे पास एक शर्ट भी बची है, ये रही तुम्हारे लिए। हुरे! लेकिन गोल के लिए कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी, बस कोशिश करके इसे मेरे पास तक लाओ। पेड्रो, तुमने गोल कर दिया तो ये ट्रॉफी तुम्हें मिलती है। ओह, लेकिन हमने एक साथ मिलकर गोल किया है पापा, एक टीम की तरह। सही बात है, ट्रॉफी तुम सबको मिलेगी। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं, उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है।
तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी, एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पापा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब कि मैं तुम्हारी तरह वन में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। पेपा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पेपा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी ना जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। मैंने कर दिखाया, मैंने खूब सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ बहुत बढ़िया, और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जोर जोर मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। पेपा और उसके दोस्त सिनेमा देखने जाते हैं। उन्होंने अभी अभी वेजिटेबल्स इन स्पेस 2 नाम की फिल्म देखी है। परेशान मत हो पेड्रो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सभी ने फिल्म के इतने मजे लिए कि अब वो नाटक कर रहे हैं जैसे वो खुद इसमें हो। क्या तुम मेरे घर पर स्पेस में सब्जियां खेलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? सभी खेल के लिए तैयार होने को लेकर काफी जोश में हैं। पेड्रो पोनी अंतरिक्ष यात्री बना है, सूजी शीप रोबोट बनी है, जेरल जिराफ एलियन बना है और पेपा स्पेस हीरो बनी है। चलो बाहर चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम चांद पर हैं। अरे वाह! मेरे पीछे आओ। प्यू प्यू। पेपा और उसके दोस्त फिल्म की तरह ही चांद पर होने की कल्पना कर रहे हैं। सभी को चांद पर तैरने का नाटक करने में बहुत मजा आता है। बढ़िया आइडिया जेरल, हम ड्राइव करने के लिए रॉकेट कार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे रे, सभी के लिए रॉकेट कार्स तो नहीं है। क्या तुम मेरी कार में चलना चाहोगी सूजी? बस बस। ओ सूजी अपने जूतों को रॉकेट बूट्स जैसा दिखाने का नाटक कर रही है। अब सभी चांद को मजेदार तरीके से जान सकते हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं चांद पर? पीप, यहाँ चांद पर एक ही चीज है, चांद। पीप, चांद बना है चीज से। तो लंच के लिए थोड़ा चीज ढूंढ ले। हाँ बिल्कुल। वो क्या था? ये क्या था? चांद का दानव? नहीं पापा, मैं हूँ तुम्हारा डैडी।
और मैं तुम सब के लिए लंच में चीज सैंडविचेस लाया हूँ। चांद पर खेलने की कल्पना करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को लंच टाइम और भी ज्यादा अच्छा लगता है। वाह! आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप बग म्यूजियम की सैर पर जा रहे हैं। सब मेरे पीछे आओ। स्क्वीक, बड़े बग्स। इस कमरे में सिर्फ चींटियां ही हैं। यहाँ तक कि यहाँ देखने के लिए रोबोटिक चींटियां भी है। चिंता मत करो, ये असली चींटी नहीं है, ये है बड़ा रोबोट। मुझे रोबोट पसंद है। चींटियां टीम की तरह काम करके अपनी रानी के लिए खाना लाती है। क्या तुम चींटियां बनना चाहोगे? क्या मैं रानी बन सकती हूँ? पेपा के दोस्त चींटियों के साथ दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें फोम वाला पत्ता रानी पेपा तक लाना है। बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने टीम में बिल्कुल चींटियों जैसा काम किया। इस कमरे में सिर्फ मधुमक्खियां ही है और पहनने के लिए मधुमक्खी के कपड़े भी है। बिल्कुल मधुमक्खी लग रहे हो। क्या तुम मधुमक्खी के छत्ते में अपना रास्ता ढूंढ सकते हो? ठीक है, चलो। सभी को मधुमक्खी बनना पसंद आ रहा है, लेकिन मधुमक्खियों का छत्ता काफी उलझन भरा है। वो खो गए हैं। मधुमक्खी अपना रास्ता तलाशती हैं सूरज को देखकर। बस हम लोग भी सूरज का पीछा कर सकते हैं। सभी असली मधुमक्खियों की तरह अपना रास्ता तलाशने के लिए सूरज का पीछा करते हैं। भी बढ़िया काम कर रहे हो। आखिरी कमरे के अंदर कुछ बहुत ही खास है। स्क्वीक, ये कितना सुंदर है। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये क्या है। अंदर कुछ काफी रंग बिरंगा है। क्या ये एक तोता है? इसके बड़े पंख हैं। या एक ड्रैगन? और ये हुआ करता था एक कैटरपिलर। ये है तितली। पेपा और उसके दोस्तों को बड़े से बग म्यूजियम में बग्स के बारे में सीखना पसंद आता। पेपा, सूजी शीप, डैनी डॉग और फ्रेडी फॉक्स गेम खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं एक जाबाज सैनिक बनूंगी। मैं बनूंगा एक जादूगर। मैं बनूंगा एक फुटबॉलर। अरे वाह! अब हम साहसी काम पर जाने के लिए तैयार हैं। पेपा कल्पना कर रही है कि जॉर्ज एक भूत है। चलो हम ऐसा सोचते हैं कि हमें बेचारे टेडी को उस भूत के हाथों से बचाना है। वो जॉर्ज है पेपा। हम बस नाटक कर रहे हैं फ्रेडी। मेरे पीछे आओ। देखो, वो रहा भूत और टेडी। डैडी पिग गहरी नींद में सो रहे हैं। चलो ऐसा सोचते हैं कि डैडी पिग एक सोते हुए ड्रैगन है। और ऐसा सोचते हैं कि लिविंग रूम एक गुफा है। मेरे पीछे आओ। हमें आवाज कम रखनी होगी ताकि ड्रैगन जाग न जाए। जल्दी से छुप जाओ। अरे रे,
लगता है मुझे झपकी लग गई थी। अब हमें बड़े से महल से टेडी को बचाना होगा। हम जादू इस्तेमाल करके टेडी को बचाएंगे। और मैं अपनी फुटबॉल का इस्तेमाल करूंगा। हेलो छोटे भूत, हम यहाँ टेडी को बचाने आए हैं। जॉर्ज भूत नहीं बनना चाहता है। ओह, क्या तुम भी टेडी को बचाने में हमारी मदद करना चाहोगे? लेकिन अगर जॉर्ज भूत नहीं है तो किसके पास है टेडी? डायनासोर। अब सभी ये कल्पना करते हैं कि टेडी डायनासोर के पास है। टेडी को चुड़ैल, जादूगर, बहादुर सैनिक, फुटबॉल खिलाड़ी और जॉर्ज ने बचा लिया, जो भूत नहीं है। आज पेपा के प्ले ग्रुप में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे है। मैंने आज के लिए खूब सारे मजेदार आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्लान किए हैं। पहला है पेंटिंग। लेकिन ब्रश कहाँ है? ये देखो, ये रहे। कोई नहीं जानता कि मैडम गजल कहना क्या चाहती हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हम करेंगे उंगलियों से पेंटिंग, ब्रश की जगह तुम लोग हाथों का इस्तेमाल करोगे। अरे पेपा और उसका प्ले ग्रुप उंगलियों से पेंटिंग करके मजे ले रहे हैं। कितना प्यारा फूल बनाया पेपा। थैंक यू मैडम गिजेल। कितनी शानदार तितली है सूजी। थैंक यू मैडम गिजेल। और डैनी, ये तो कसाब का कीचड़ वाला गड्ढा। शुक्रिया मैडम गजल। डैनी अपनी पेंटिंग पर कूद रहा है जैसे वो असली कीचड़ वाला गड्ढा हो। बढ़िया आइडिया डैनी, हम अब करेंगे फेस पेंटिंग। हर कोई अपने चेहरे को पेंट कर रहा है। सूजी एक तितली है, डैनी एक ज़ीब्रा है, फ्रेडी और एमिली टाइगर और मछली बने हैं, और पेपा ने खुद को हरा बना लिया है। मैं हरी हूँ। इससे मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। मैडम गजेल टेप लगा हुआ एक बड़ा कैनवस लेकर आती है। वो क्या है मैडम गजेल? ये तो एक सुंदर सा चित्र है। लेकिन मुझे चित्र नहीं दिख रहा। क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम सब एक एक पेंट की बोतल ले लो और जितना छिड़कना चाहो छिड़क सकते हो इस कैनवस पर। बच्चों, रंग छिड़को, मजे करो, बस जमीन से मत गिराना। सभी को बड़े कैनवस पर पेंटिंग करके मजा आ रहा है। ये कितनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी। लेकिन मुझे चित्र दिख नहीं रहा। जल्दी ही देखोगी पापा। मैडम गजेल कैनवस से टेप निकाल रही हैं और टेप निकालने की वजह से पेंटिंग बन गई है स्टार। पेपा को प्यारा सा स्टार अच्छा लगता है और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे भी अच्छा लगता है। हैप्पी ईस्टर बच्चों। पेपा और उसके दोस्त आज ईस्टर की खूब सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। आज मैंने तुम लोगों के लिए एक खास मेहमान को बुलाया है। हेलो बच्चों, ईस्टर बनी ने मुझे आपके साथ कुछ ईस्टर गेम्स खेलने के लिए भेजा है। लेकिन पहले आप सभी को ईस्टर बनी बनना पड़ेगा। ओह,
मैं देख रही हूँ कि तुम तो पहले से ही ईस्टर बनी हो। अब ईस्टर के अंडे कौन कौन सजाना चाहेगा? पेपा और उसके दोस्त लकड़ी से बने अंडे पेंट कर रहे हैं। याद रखिए बच्चों, आप अपनी ईस्टर के अंडे को जैसा चाहो वैसा सजा सकते हो। हेलो मिस्टर रेग। अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि डैनी डॉग को गलती से असली अंडा दे दिया गया है। डैनी, तुम्हारे अंडे का क्या हुआ? वुफ, मुझे लगता है कि मैंने इसे कुछ ज्यादा ही पेंट कर दिया। अच्छा हुआ मैं एक एक्स्ट्रा लाया हूँ। ठीक है बनीस, मेरे साथ आओ। पेपा और उसके दोस्त खास ईस्टर गेम खेलने के लिए बाहर आ गए हैं। अब हम खेलने जा रहे हैं बनी बॉलिंग। जमीन पर अपने अंडों को रोल करो और देखो कि आप कितने बनी पिंस को गिरा सकते हो। बढ़िया कोशिश मिस्टर एग। ये तो ऊंचा चला गया। लगता है आप सभी जीत गए। बहुत बढ़िया बच्चों, सभी को मिलता है एक खास ईस्टर मेडल। और सबसे अच्छी बात, ये मेडल्स बनी है चॉकलेट से। क्या सबसे ज्यादा चॉकलेट खाने के लिए भी कोई इनाम है? पेपा और उसके दोस्तों को ईस्टर वाकई काफी पसंद आया। आज सभी पेपा के बगीचे में खेल रहे हैं। एमिली एलिफेंट एक बड़े से कीचड़ वाले गड्ढे में फिसल कर गिर जाती है। मॉन्स्टर! नहीं, मॉन्स्टर्स असली नहीं होते। ये एक कांटेदार चूहा। कांटेदार चूहा भी कीचड़ में फिसल कर गिर गया। चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। कांटेदार चूहा कांटेदार बॉल की तरह हो गया है, पर एडमिंड जानता है क्या करना है। हमें किसी बड़े की मदद लेनी होगी, क्योंकि कांटेदार चूहा डर के कटीला हो गया है, तो हमें सावधान रहना होगा। मम्मी पिग, डैडी पिग। मम्मी पिग सबको कीचड़ भरे गड्ढे से निकलने में मदद करने आ गई है, और डैडी पिग कांटेदार चूहे की मदद कर रहे हैं। उनके मोटे दस्ताने उन्हें कांटेदार चूहे की नुकीली पीठ से बचा रहे हैं। आप कांटेदार चूहे को यहाँ रख सकते हैं। यहाँ मोटा सा कंबल है, तो बढ़िया और आरामदायक रहेगा। कंबल। बहुत बढ़िया, अब सावधान रहना, शायद कांटेदार चूहा थोड़ा सा कांटेदार हो। अरे वाह, मैं तुम्हें बुलाऊंगी कटीले। कटीले। डॉक्टर हैमस्टर ये चेक करने आए हैं कि कटीला सुरक्षित और स्वस्थ है। मुझे मदद के लिए बुलाने का फैसला सही था। कटीला घूमकर फिर से बॉल जैसा बन गया। कटीला ऐसा क्यों करता है डॉक्टर हैमस्टर? कांटेदार चूहे डर के मारे बॉल बन जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ओह, तो कटीला डरा हुआ है? यहाँ काफी शोर है ना? अगर हम चुप रहें, तो एक टुकड़ा सेब का कटीले को शांत करने में हमारी मदद कर पाए। पेपा और एमिली एलिफेंट जरूरत से कुछ ज्यादा ही सेब ले आए। हुरे! बस खाना और आराम, और फिर हम कटीले को गार्डन में छोड़ सकते हैं जब सूरज डूबने लगेगा। हम अभी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कांटेदार चूहों को अंधेरा अच्छा लगता है, जिसका मतलब है उन्हें रात में घूमना और दिन में सोना पसंद है।
मुझे सब पता है, मैं कितना स्मार्ट हूँ। अरे माफ करना कटीले। सूरज डूब रहा है, इसका मतलब है कि कटीले के घर वापस जाने का वक्त हो गया है। कांटेदार चूहे कहाँ रहते हैं डॉक्टर हैमस्टर? कहाँ, कांटेदार झाड़ी में। बाय कटीले, हमें जल्दी मिलने आना फिर से। सभी को कटीले के साथ समय बिताकर और उसे सुरक्षित घर जाते देखकर अच्छा लगा। आज प्ले ग्रुप के लिए मैडम गजेल एक खास सरप्राइज लाई है। हाय रे। क्या फिर से हैलोवीन है? मैं एक जादूगर बनने जा रहा हूँ। मैं बनने जा रही हूँ एक पेड़, स्क्वीक, और मैं बनूंगी जादूगर का जादुई पेड़। नहीं बच्चों, कद्दू सिर्फ हैलोवीन का जश्न मनाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, वो अमेरिका की एक खास छुट्टी मनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो है थैंक्सगिविंग। हाँ? क्या मैं अभी भी थैंक्सगिविंग के लिए जादूगर का जादुई पेड़ बन सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल। थैंक्सगिविंग पर लोग और भी चीजें करते हैं, जैसे बकरी के सींग जैसा सजावटी डिब्बा बनाना। सजावटी डिब्बा? कितना अजीब सा लगता है। सजावटी डिब्बा, ये सींग के आकार की टोकरी होती है जिसमें पतझड़ के मौसम में उगने वाले फल और सब्जियां रखी जाती हैं। हम खुद की एक टोकरी तैयार करते हैं। शुक्रिया। मैं ताजे फल और सब्जियों के लिए वाकई शुक्रगुजार हूँ। एक कहानी में तो यहाँ तक कहा गया है कि सजावटी डिब्बा जादू से अपने आप को भर सकता है। ऐसा है क्या? वो खुद ब खुद भर जाता है? अफसोस ऐसा नहीं है। प्ले ग्रुप के सारे बच्चे उन चीजों से अपना थैंक्सगिविंग सजावटी डिब्बा बना रहे हैं जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। मैं बलूत के फल और कद्दू के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं इसमें रखूंगी ये चॉकलेट बार अपने लंच बॉक्स से। मुझे चॉकलेट बार पसंद है। ओ, शायद बस एक बाइट। ओ, वैसे सबसे बढ़िया चीज रैपर ही है। लगभग हो ही गया था। आप सब ने एक सुंदर सजावटी डिब्बा बनाया है। अब घर का समय है और पेपा मम्मी पिग और डैडी पिग को दिखा रही है कि आज उसने क्या सीखा। ये एक सजावटी डिब्बा है, ये थैंक्सगिविंग का भाग है और ये हमें मिलने वाले सारे लजीज खाने के लिए शुक्रगुजार होने की याद दिलाता है। वाकई प्यारा है। ओह, लेकिन इस सजावटी सब्जियां खाकर मिलने वाली ताकत से मैं यहाँ हूँ। एक मिनट। अब मैं यहाँ हूँ। ये रहा मैं, अब तक का सबसे सुपर सुपर हीरो। और मैं यहाँ आप सबको ये सिखाने आया हूँ कि सुपर हीरो कैसे बना जाता है। अरे वाह! पेपा और उसका प्ले ग्रुप सुपर हीरोज के रूप में तैयार हो गए हैं। सुपर हीरो स्कूल की सबसे पहली सीख है ये अपनी सुपर हीरो शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया के लिए कुछ बेहतर काम करना है। सूजी शीप दया दिखाते हुए एक कीड़े को छेद करने में मदद कर रही है। फ्रेडी फॉक्स दयालु बनकर पौधे को पानी दे रहा है और पेपा के दिल में पूरी दुनिया के लिए दया होने के कारण वो निश्चित कर रही है कि सारा कचरा रिसाइकल हो और जमीन पे ना पड़ा हो। आप सब ने अपनी पहली सीख अच्छे से ली। अब सुपर हीरो स्कूल की अगली सीख है मुश्किलों को सुलझाने का कोर्स पूरा करना और मैडम गजेल को सुपर विलन से बचाना। तो शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सब इतने थक गए हैं कि दौड़ नहीं पा रहे हैं।
सबके सांसें फूल रही है। हम तेज क्यों नहीं दौड़ सकते और हम में ताकत क्यों नहीं है? क्या हम सुपर हीरो नहीं है? मैं समझ गया। क्या आज किसी ने कोई फल या सब्जियां खाई है? मेरा आज गाजर खाने का मन नहीं था। और मैंने अपना सेब अपने लंच बॉक्स में छोड़ दिया। वही तो, फल और सब्जियां हमें सेहतमंद रखती है और हमें देती है सुपर एनर्जी। सुपर हीरो में दौड़ने और कूदने के लिए काफी एनर्जी होनी चाहिए। मैडम गजेल ने मेज पर खाने के लिए प्लेट में स्वादिष्ट फल और सब्जियां रखी है। पेपा और उसके दोस्तों ने सारे फल और सब्जियां खा ली है। अब उनके पास काफी सुपर एनर्जी है और वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार है। हम आपको बचाने के लिए आ चुके हैं। मेरे हीरोस, मेरे सुपर हीरोस। बधाई हो, आप सभी आज बेहतरीन थे और हर एक सुपर हीरो को हीरो बनने का इनाम मिलेगा। तो बताओ क्या लोगे? क्या कुछ गाजर बचे हैं? फलों और सब्जियों से मिली ताकत से पेपा और उसका प्ले ग्रुप दिन भर काम कर पाया। पेपा और सूजी पुलिस ऑफिसर्स बनने का नाटक कर रहे हैं। पुलिस, हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया पुलिस ऑफिसर्स। आपका स्वागत है। अब हमें अपराधों को सुलझाने के लिए वापस आना होगा। अरे ये क्या है मैडम गजेल? मुझे लगता है मेरा खास पेन कहीं खो गया है। ये तो रहस्य जैसा लगता है। परेशान ना हो, मैं और पुलिस ऑफिसर सूजी इस केस को सुलझाएंगे। पेपा और सूजी खास पेन तलाशने के लिए सुराग ढूंढ रहे हैं। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखती है। आहा, बैंगनी। वो बिल्कुल ऐसा ही रंग है जैसा डैनी डॉग की टी शर्ट है। क्या तुमने उस खास पेन को देखा है डैनी? लगता तो नहीं, मैंने देखा है। ठीक है, बेहतर होगा कि हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर कुछ सवाल पूछें। पेपा और सूजी ने एक नकली पुलिस स्टेशन बनाया है ताकि वो सभी से लापता पेन के बारे में सवाल पूछ सके। ये किताबों और तकियों से बना है। इस पुलिस स्टेशन में तो दरवाजे भी नहीं हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ये जगह बढ़िया है। पेपा और सूजी सभी से खास पेन के बारे में पूछ रहे हैं। वो कैंडी कैट को नकली पुलिस स्टेशन ले आए हैं। कैंडी कैट, क्या तुम याद करके बता सकती हो कि वो खास पेन किस रंग का है? लाल? नहीं, हरा। दरअसल गुलाबी? नहीं, नीला। हाँ, तुम तो बड़ी मददगार हो। चलो चारों तरफ बारीकी से देखे। मैडम गजेल का खास नीला पेन यही कहीं होना चाहिए। पेपा और सूजी शीप खास पेन को हर जगह तलाश रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही है। मुझे तो वो यहाँ कहीं नहीं मिला। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैडम गजेल नकली पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब दे रही है। आपने अपने पेन को आखिरी बार कब देखा था मैडम गजेल? देखो, बात ऐसी है, आज सुबह मैंने पेन इस्तेमाल किया था, फिर मैंने उसे अपने कान के पीछे लगा लिया। अरे मैडम गजेल का खास पेन उन्हीं के कान के पीछे रखा हुआ था। हमने इसे ढूंढ लिया, हमने राज सुलझा लिया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया पेपा और सूजी। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बनोगे। सुबह हो गई है और पेपा कुछ जायकेदार नाश्ता कर रही है। ये दलिया कैसा लग रहा है? अप्रैल फूल्स। अप्रैल फूल्स, वो क्या होता है?
आज अप्रैल फूल्स डे है। इस दिन लोग अजीबोगरीब मजाक करके एक दूसरे को हंसाते हैं, जैसे मैंने तुम्हारी दली के साथ किया। हा? मुझे अजीबोगरीब मजाक पसंद है। क्या हम डैडी से मजाक कर सकते हैं? क्या बढ़िया आइडिया है। डैडी पिग सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन मम्मी पिग और पेपा उनसे मजाक करने आ गए हैं। क्या आप मुझे मेरा चश्मा दे सकती हैं, मम्मी पिग? हाँ, क्यों नहीं। पेपा और मम्मी पिग डैडी पिग से मजाक कर रहे हैं। शुक्रिया। अजीब बात है, इस चश्मे से देखना तो और भी मुश्किल है। ये चश्मा मजाक के लिए है। अच्छा मजाक था, लेकिन अब आप दोनों मेरे साथ मजाक नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ। पेपा डैडी पिग के साथ एक और मजाक कर रही है। ओहो, मैं ये कुरकुरे के ट्यूब नहीं खोल पा रही, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं डैडी? क्यों नहीं पेपा। मैं तो इससे डर ही गया। तुमने तो मेरा फिर से मजाक बना दिया पेपा, बहुत बढ़िया। क्या तुम मम्मी पिग के साथ अप्रैल फूल्स डे का मजाक करने में मेरी मदद करोगी पेपा? पेपा और उसकी फैमिली ने डिनर कर लिया है और अब वो मिठाई खा रहे हैं। मैंने और पेपा ने मीठे में एक स्वादिष्ट चॉकलेट केक बनाया है ना पेपा? कितना प्यारा है, ये जायकेदार लग रहा है। मेरा फोक काम नहीं कर रहा है। अपने हाथों से कोशिश करो। पेपा और डैडी पिग मम्मी पिग से मजाक कर रहे हैं। ये केक नहीं है, ये तो स्पंज है जिसपे आइसिंग लगी है। अप्रैल फूल्स। कितना बढ़िया मजाक किया है। इससे मुझे याद आया कि जॉर्ज तुम्हारे लिए कुछ बिस्किट्स लाए है पेपा। शुक्रिया जॉर्ज, मुझे बिस्किट पसंद है। अप्रैल फूल्स। पेपा को अप्रैल फूल्स डे बहुत पसंद आता है। सभी को अप्रैल फूल्स डे बहुत पसंद आता है। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं, उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पेपा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती, ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। टरा! ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी, एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पेपा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब मैं तुम्हारी तरह वन में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। ओ पापा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पापा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा, ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी ना जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। ओ,
पाल लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। मैंने कर दिखाया। मैंने खूब सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ, बहुत बढ़िया। और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जोर जोर मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए आइसक्रीम।